الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا सुल्गान मोहतरम, तबीयत तो आज भी कुछ ढीली ही है, लेकिन बहरहाल मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, तो कुछ दीन की बातें पेश कर देते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने को कबूल फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दूर दूर बैठे हैं, आगे आ जाओ, करीब करीब बैठो, काफ़ी जगह है, आगे आ जाओ। नहीं, आप लोग बराबर है, वो जो पीछे बैठे आप बराबर। रमज़ानुल मुबारक में मीरास के ताल्लुक से, विरासत के ताल्लुक से कुछ बातें कहना शुरू की थी। ये मज़मून हमने शुरू किया था, दरमियान में कुछ बातें ज़कात के ताल्लुक से आ गई, वो मौजू भी अभी तिशना और अधूरा है, वो इंशाअल्लाह अगली मजलिस में। मगर आज कुछ बातें मीरास और विरासत के ताल्लुक ही से आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक साहिब कह रहे थे मुझसे कि मौल साहब, लोगों सदका ने ज़कात ना मसला तो वो पूछेंगे, पर विरासत ना मसला कोई नहीं पूछेंगे। तो कहीं कारण है इला माशाल्लाह दरेक जगह लागे, तो कह दरेक कोई ने कोई कहीं ने कहीं दबाई नहीं बैठ सकते हैं। तो कह दरेके दरेक माणस कोई मीरास ने विरासत नो माल कहीं ने कहीं दबाई ने बैठलो छे, एटले कोई एम के मीरास ने विरासत नो मसलो पूछे ज नहीं, बद्दा जकात सदका फितराना ज मसला पूछे। अल्लाह करे कि हम में से कोई ऐसा ना, और अल्लाह ताला इससे मेरी आपकी तमाम अहले ईमान की हिफाजत फरमाए। वैसे कुछ न कुछ तो सच्चाई है, और ख़ास तौर से जो यूके में बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में क्या हाल हुआ। जिनकी ज़मीन जायदाद मालो दौलत वहाँ था, बहरहाल नाहक मीरास का माल न खाना, नाहक मीरास का माल न खाना है पास एक दिन खुदा के जाना, नाहक मीरास का माल न खाना है पास एक दिन खुदा के जाना, है मीरास खुदाई तकसीम, है मीरास खुदाई तकसीम। ये मीरास कोई माँ बाप की तकसीम नहीं है कि माँ बाप कह के गए तो देना है, नहीं, ये खुदाई तकसीम है। अल्लाह ताला ने कितनी ताकीद बयान फरमाई मीरास के ताल्लुक से, फरमाया कि तिल्क हुदूदुल्लाह, कहीं पे फरमाया नसीबम मफरूदा,
और उसकी अदायगी पर जन्नत की बशारत और कोताही पर जहन्नम में जाने का जिक्र है कि अल्लाह ताला जो लोग सही तकसीम नहीं करते माल की मीरास की तो उनके लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई। तो ये कोई माँ बाप की तरफ से तकसीम नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया था कि अगर बाप यूं कहकर जाए कि मेरे मीरास के माल में से मेरे तरके में से फला एक बेटे को कुछ न दिया जाए, क्यों कि वो मेरा नाफरमान था, वो मुझे देखने भी नहीं आता था, मिलने भी नहीं आता था, फोन से भी बात नहीं करता था, ठीक है वो गुनहगार है अल्लाह ताला का और बाप का भी गुनहगार है, लेकिन उसे उसकी सजा आखिरत में मिलेगी और अल्लाह ताला चाहेगा तो दुनिया में भी दे सकता है। लेकिन चूंकि ये खुदाई तकसीम है, मीरास और विरासत ये खुदाई तकसीम है, इसलिए इसमें मेरा और आपका कुछ नहीं चलता। इसलिए उस बेटे को भी कि जिसके मुतालिक बाप स्टैम्प पेपर पर जो है वो पूरा मजमून लिख कर गया है कि उसको मेरे मरने के बाद कुछ न दिया जाए, तब भी उसे मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये माँ बाप की तकसीम नहीं है बल्कि बोलो खुदाई तकसीम है, अल्लाह ताला की तकसीम है, इसलिए मिलेगा। तो है मीरास खुदाई तकसीम, न करना अदायगी में सुस्ती ए दाना। दाना यानी अकलमंद, दाना ये फारसी का लफ्ज है, दाना का माना होता है अकलमंद। देना सब वारिसीन को उनका हक, देना सब वारिसीन को उनका हक, न करना उस पे कब्जा जालिमाना, न करना उस पे कब्जा जालिमाना। होता क्या है आमतौर पर कि जो लड़का माँ बाप के साथ रहता हो या जो माँ बाप के बाप के साथ बिजनेस में शरीक हो तो उसका ही कब्जा होता है, आधा कब्जा तो बाप की हयात ही में, तो अब वो बहुत टाल मटोल करता है देने में। तो बहरहाल दुनिया से सबको खाली हाथ ही है जाना, दुनिया से सबको खाली हाथ ही है जाना, सब कुछ कमाया यहीं है रह जाना, सब कुछ कमाया यहीं है रह जाना, माल नहीं साथ किसी के भी जाना, माल नहीं साथ किसी के भी जाना, सिकंदर को भी पड़ा है दुनिया से खाली हाथ जाना। हैं सिकंदर को भी पड़ा है दुनिया से खाली हाथ जाना। सिकंदर जिसको क्या कहा जाता है? फातिह आजम। सिकंदर का लकब क्या है? फातिह आजम, के उसने एक दुनिया को फतह किया, मालो जायदाद की उसके पास कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन उलमा लिखते हैं कि मौत से पहले उसने वसीयत की। मौत से पहले उसने क्या वसीयत की? वसीयत उसने ये की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे दोनों हाथ जो जनाजा है, जो चारपाई है जिस पे मैयत को रखा जाता है इंतकाल के बाद, तो जनाजे के अंदर से मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल डाला। आम तौर पर हम क्या करते हैं, इंतकाल हो जाता है किसी का तो हाथ कहाँ रख देते, इधर देखो यहाँ, और ऐसा कर भी देना चाहिए। जैसे ही किसी का इंतकाल हो फौरन क्या करो, हाथ उसके सीधे कर दो और इस तरह रख दो उसको, वरना फिर मुश्किल होगा बाद। तो सिकंदर ने ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं और मुझे
रख दिया जाए तख्ते पर, तो उस चारपाई से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना और इसी हाल में मुझे मरने के मकाम से लेकर मेरे आखिरी मकाम कब्र तक ले जाना। किसी ने उसकी वजह पूछी, सबब पूछा, रीजन पूछा कि ए फातिह आजम, आप ऐसा क्यों कह रहे कि मरने के बाद आपके दोनों हाथ जो हैं वो बाहर निकाल दिए जाए। तो उसने जवाब ये दिया कि मैं दुनिया वालों को एक सबक देना चाहता हूँ, एक नसीहत देना चाहता हूँ, एक पाठ सिखाना चाहता हूँ कि मेरे जैसा आदमी कि जिसका लकब फातिह आजम है, जिसने एक दुनिया को फतह किया लेकिन जब वो भी दुनिया से गया तो खाली हाथ, वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया। आदमी ले जाएगा तो आमाल ले जाएगा, अच्छे है तो अच्छे और बुरे है तो बुरे, वरना आदमी साथ में कुछ नहीं ले जाता। तो सिकंदर ने कहा कि मैं दुनिया वालों को ये सबक देना चाहता हूँ कि दुनिया भर की दौलत कमा लो और मुल्क के मुल्क तुम फतह कर लो, लेकिन जब दुनिया से जाना होगा तो खाली हाथ जाना होगा, साथ में सिवाय कफन के कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल आगे लिखा है, करेगा जो भी मीरास में कोताही, करेगा जो भी मीरास में कोताही, कहता है कुरान है जहन्नम उसका ठिकाना, कहता है कुरान है जहन्नम उसका ठिकाना। कहाँ है ये आयत? चौथे पारे सूरह निसा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। ये जो रुकू शुरू होता है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने कोई और बात बयान नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मीरास के मसाइल को बयान किया है। और शुरुआत स्टार्टिंग कहां से की? यूसी कुमुल्लाह, अल्लाह तुमको वसीयत करता है, अल्लाह तुमको हुक्म देता है। तो शुरू ही में लफ्ज अल्लाह ले आया कि ये हुक्म किसका है? अल्लाह का। और जब किसको कितना देना है, क्या देना है, कैसे देना है, उसको जब खत्म किया तो फिर वापस देखिए कुरान ने अंदाज क्या इख्तियार किया, तिल्क हुदूदुल्लाह। ये क्या है? अल्लाह ताला की हुदूद है, अल्लाह ताला की बाउंड्री है। और अमल करने वालों को जन्नत की बशारत सुनाई कि वमन युतिअल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ। फरमाया कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा और खास कर जिसका जिक्र चल रहा है कुरान, जिसका तस्किरा कर रहा है मीराज का, तो फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस तरह मीराज और विरासत के माल को तकसीम का हुक्म दिया है, अगर कोई मुसलमान उसी तरीक पर मीराज के माल की तकसीम करेगा, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला उसको ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाएगा कि जिसके नीचे क्या बह रही होगी? नहरें बह रही होगी। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और जिसके हक में ये फैसला हो गया उसने बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया। और आगे इस पे बस नहीं किया, क्योंकि दुनिया में लोग दो किस्म के हैं मीरास और विरासत की तकसीम के मामले में, कोई देता है कोई नहीं देता, कोई देता है तो जितना देना चाहिए उतना नहीं देता जितना हक है। तो जो देता है उनको फजीलत सुना दी, बशारत सुना दी, और जो उसके अंदर डंडी मारेगा तो अल्लाह ताला ने उनका क्या हश्र होना है ये भी बता दिया।
کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور باؤنڈری کو تقسیم کیا ہے اس کو کیا کرے گا؟ کراس کرے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تبارک و تعالی میراث میں ڈنڈی مارنے والوں کو، وراثت کا مال صحیح طرح تقسیم نہ کرنے والوں کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں داخل کرے گا پھر کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ تو فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کو اہانت آمیز عذاب دیا جائے، یہ نہیں فرمایا صرف کہ عذاب دیا جائے گا، بلکہ کیسا عذاب؟ دیکھیے سزا آدمی کو دو طرح دی جاتی ہے، ایک مرتبہ ایک اس طرح بھی سزا دی جاتی ہے کہ بھائی صرف سزا دے دی لیکن اس میں اس کی ذلت اور انسلٹ شامل نہیں ہوتی، بس ویسے ہی سزا دے دی، لیکن ایک سزا اس طرح بھی دی جاتی ہے کہ سزا تو ہے ہی لیکن ساتھ میں اس کی کیا ہوتی ہے؟ ذلتی ہوتی ہے، ذلت، اہانت، انسلٹ۔ تو قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صرف عذاب نہیں دے گا میراث میں کوتاہی کرنے والوں کو، بلکہ کیسا عذاب دے گا؟ دردناک اور ذلت آمیز عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا۔ اس لیے دیکھیے بھائی، میراث کی تقسیم میں کوتاہی، گڑبڑ اور صحیح عمل کب نہیں ہوتا؟ جب مال بہت زیادہ، یاد رکھو، تھوڑا بہت ہو تو آدمی دے دیتا ہے، دیکھیے وہ تو ہونے گیوں ہوں ہے عبد السلام بھائی، دیکھیے وہ تو ہونے گیوں ہوں ایم کے کہیں وہ تو نہیں، باپ دادا بےچارا تھوڑا گھنو چھوڑی گلا ہوتا تھا کہ آپ آپ ہی دی تھی، پر جہاں બો ડલ્લો એકઠો થયેલો હોય ત્યાં પછી પ્રોબ્લેમ ઉભા થાય હે હા જહા માલ કી કસરત હોતી હૈ હમારે ઇલાકે કે એતબાર સે 6 હાઉસ 10 હાઉસીસ હૈ અબ ગિન લો મિલિયનર બિલિયનર બન ગયા વો હે અબ મિરાસ કી તકસીમ કરની હોગી વિરાસત કિતની પેચીદગી આઈ 4 ફેક્ટરી કા માલિક હૈ 8 ફેક્ટરી કા માલિક 10 دکان کا مالک ہے 15 دکان کا مالک ہے، جہاں مال کی کثرت وہاں جھگڑے کی کثرت۔ مال اپنے ساتھ دونوں چیز لے کر آتا ہے، مال کے فوائد بھی ہے اور نقصانات بھی ہیں۔ مال فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، یاد رکھیے، مال کمانا، مال جمع کرنا اور مال، یہ فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے۔ اس کی ایک موٹی دلیل آپ کو دوں، اگر مال بری چیز ہوتی تو شریعت یہ کہتی کہ بھائی مرنے سے پہلے آدمی اس کو جلا دے، مرنے سے پہلے آدمی جو اس کے پاس نقدی ہے، کیش مال ہے، اس کو سمندر میں ڈال دے، اس کو ندی میں ڈال دے، اس کو پانی میں جو ہے بہا دے۔ بھائی محمد پگ 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 نہ بنا کر، تو کیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شریعت کیا کہتی کہ جلا دو مال کو، ڈال دو سمندر کے اندر۔ پہلے کیا ہوتا؟ یہ قرآن نے یہ کام کیا ہے، یہ سوری یہ بات بیان کی ہے قرآن نے، مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ بقربان تأکلہ النار، تو مال غنیمت کو بھی اور قربانی کے مال کو بھی کہاں رکھ دینا ہوتا تھا؟ پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ پر جا کر رکھ دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور آگ آ کر اس سارے مال کو بھسم کر دیتے، ختم کر دیتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو سمجھ آیا؟ اگر مال بری چیز ہوتی
तो शरीयत ये कहती कि भाई तुम अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करो, वैसे भी अब तुम्हें दुनिया से जाना है, सारा माल क्या करके जाओ, खत्म करके जाओ। लेकिन शरीयत ने ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा वो सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस, बिल्कुल सही हदीस, जिसका मफहूम यह है, मशहूर सहाबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में फूफा होते, दूर के रिश्ते, हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला। मैं बताना ये चाहता हूं, शरीयत ने मीरास और विरासत का कानून रखा ही इसलिए है कि माल फी नफ्सी ही बुरी चीज नहीं है, बल्कि शरीयत तरगीब देती है हमें कि हम क्या करके जाए अपनी औलाद के लिए। बुखारी शरीफ की इस रिवायत पे तरगीब है कि हम क्या करके जाए। हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु शादी शुदा थे, छठे नंबर पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और कहते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला तीर दुश्मन पर जिस शख्सियत ने, जिस सहाबी ने चलाया, वो कौन था? हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला। ये बीमार हो गए और इंतहाई बीमार, शदीद बीमार हो गए, और बाज मरतबा आदमी खुद ये महसूस करने लगता है बीमारी में कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है। वो ऐसा सोचता है कि भाई ऐसी सख्त बीमारी लाइक हो गई है और मैं अब ऐसी कंडीशन और हालत में हूं जिस्मानी एतबार से कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है। तो हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी जब बीमार हुए तो उन्होंने यही सोचा कि अब तो मेरा दुनिया से जाने का वक्त क्या हो गया है, करीब हो गया है, और अल्लाह ताला ने खूब मालो दौलत दे रखा था। जो मालदार सहाबा थे उनमें एक नाम हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी आता है। और देखिए, माल फी नफ्सी ही बुरी चीज होती तो वो सहाबी कि जिसका शुमार किसमें होता है, अशरे मुबशरा, हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, इतना माल था, इतनी जायदाद थी उनके पास, उलमा किताब में लिखते हैं उनको ही पता नहीं था कि अल्लाह ने उनको कितना दिया, इतना माल, इतनी जायदाद, और अलग अलग मुल्कों, ये नहीं कि खाली मदीना शरीफ में और मक्का शरीफ में, अलग अलग मुल्कों में उनकी उनकी जायदाद थी, प्रॉपर्टीज थी, ज्यादातर उनकी प्रॉपर्टीज रखी हुई थी उन्होंने। एक ये सहाबी, और दूसरे सहाबी हैं हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला। ये दो सहाबी की दूसरे मुल्कों में भी प्रॉपर्टीज थी, सिर्फ मकामी तौर पर नहीं, अलग अलग मुल्कों में उन्होंने प्रॉपर्टीज रखी हुई थी। तो इतना माल अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला को दिया था कि उनको भी पता नहीं कि उनके पास कितना है। आजकल जो बिल गेट्स का नाम लिया जाता है वो भी उनके सामने कुछ नहीं है, बिल गेट्स भी, उसकी मालियत भी जो है, मिल्कियत भी कुछ नहीं, उतना अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला को दिया हुआ था। तो खैर, हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला बीमार हुए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा कि मैं तो इस हालत में हूं नहीं, मेरे जिस्म में, मेरी बॉडी में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आका की खिदमत में हाजिर हो सकूं, लिहाजा आका को बुला भेजा, बुलावा भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और देखा कि साद काफी बीमार है रदी अल्लाह ताला। अब वारिसीन में हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अनु के सिर्फ एक बेटी थी और कोई औलाद नहीं, और कोई वारिसीन नहीं, वारिसीन में सिर्फ एक बेटी। तो हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अनु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए। हजरत नबी भी थे, मुफ्ती भी थे,
तो गोया के मसला पूछा, फतवा चाहा हजरत से कि मेरे इस मौखिक फतवे पर हजरत की जुबानी मुहर लग जाए। एक तो तहरीरी मसला होता है, उस पर मुफ्ती साहब क्या करते हैं जो है वो मुहर लगाते हैं, तो ये मौखिक के मुंह से जो है वो मसला पूछ रहे हैं फतवा, गोया के उस पर हुजूर की जुबानी जो है वो मुहर लग जाए। तो हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाहु ताला ने फरमाया, मफहूम यह है कि हुजूर वारिसीन में मेरी सिर्फ एक बेटी है और कोई नहीं है, और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह मुझे काफी मालो दौलत दे रखा है, मैं चाहता हूं कि आधा माल मैं बेटी के लिए रखूं और आधा माल क्या कर दूं, अल्लाह के रास्ते में दे दूं, उसको मैं कुर्बान कर दूं। देखिए शरीयत आधे की नहीं, पहले तो ये कहा कि सारा माल, पहले ये कहा कि सारा माल जो है वो मैं राह खुदा में दे दूं कि एक ही तो बेटी है उसको क्या चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, तो फिर उन्होंने इजाजत तलब की कि भाई आधा माल। यहां रुककर एक मसला समझो, उलमा ने लिखा है बाज मुहतमीम, बाज मदरसे के जिम्मेदार, बाज हॉस्पिटल के जिम्मेदार, यतीम खाने के जिम्मेदार जो हैं, जो दीन का इल्म रखते हो वो नहीं, जो नहीं रखते उनको भी जानने की जरूरत है कि जब आप कोई ओहदा कबूल करो तो आपको मसाइल मालूम होने चाहिए। तो उलमा ने इस हदीस की रोशनी में लिखा है कि मरने वाला अपनी जिंदगी में मरजुल मौत से पहले, मरजुल मौत का तो फिर मसला अलग है, किसी मदरसे के ताल्लुक से वसीयत करना चाहे या वक्फ करना चाहे, वसीयत नहीं वक्फ करना चाहे, किसी हॉस्पिटल को वक्फ करना चाहे या किसी हाई स्कूल को जो है वो वक्फ करना चाहे, किसी को भी कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दे रखा है और उसके वारिसीन भी मौजूद हो, तो क्या कहा कि भाई मेरा सारा माल फला मदरसे, मेरा सारा माल फला मरकज को, मेरा सारा माल फला अस्पताल को, मेरा सारा माल फला यतीम खाने को। तो अब जो जिम्मेदार होते हैं उनको खुश होने की जरूरत नहीं है कि माशाल्लाह ये तो बड़े दीनदार आदमी है और ये तो अपनी सारी जायदाद, कुल जायदाद जो है वो किसके नाम करने जा रहे हैं, अस्पताल के, मदरसे के, मस्जिद के, हैं मरकज के, यतीम खाने के, हालांकि उसके वारिसी मौजूद है। और मैं नहीं, दलील हुजूर का ये फतवा जो बुखारी शरीफ है, हुजूर ने मना किया कि नहीं तुम सारा माल नहीं दे सकते। तो फिर हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आधा माल, क्या आधा बेटी के लिए छोड़ जाऊं और आधा राह खुदा में खर्च कर दूं। हुजूर ने अब भी मना फरमाया कि नहीं। तो फिर उन्होंने और कम किया कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना एक तिहाई माल राह खुदा में खर्च कर दूं, गोया के 1/3, 100 है अगर मान लो 100 पाउंड तो 33 पाउंड और ऊपर कुछ, और बाकी के जो बचते हैं 67 समथिंग, तो वो किसके लिए, बेटी के लिए। लेकिन बुखारी शरीफ के अल्फाज है, इसीलिए अबू हनीफा ए वक्त दारुल देवबंद के सरपरस्तों में से एक हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाही अलैह की राय इस मसले में कुछ अलग थी हुजूर के अल्फाज की वजह से। वो क्या, वो सुने आगे। जब हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला उन्होंने इजाजत तलब की कि मैं अपना 1/3 ये राह खुदा में खर्च कर दूं और बाकी जो बाल बचता है अपनी बेटी के लिए छोड़ जाऊं, तो उस पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है लेकिन ये भी ज्यादा है। दो बातें कही, इजाजत तो दे दी कि ठीक है 1/3 राह खुदा में दे दो, लेकिन फौरन साथ में एक जुमला बढ़ाया कि ये भी क्या है, ज्यादा है।
इसलिए हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि हुजूर की मंशा, हुजूर की चाहत, इस जुमले से ये पता चलती है कि मरने वाला अपने माल में वसीयत 1/3 से कुछ कम करे। वैसे शरण 1/3 में जाइज है, क्योंकि हुजूर ने इजाजत दे दी ना, इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ में क्या कहा कि ये भी ज्यादा है। तो अगर कोई 1/3 में मरने वाला वसीयत करना चाहे कर सकता है, गुनहगार नहीं है। लेकिन ये हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की उनकी अपनी राय थी, फतवा नहीं, बल्कि उनकी अपनी राय थी कि हुजूर के अल्फाज पे गौर करो, हुजूर की चाहत ये थी कि साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु 1/3 से भी कम वसीयत कर। मैं फिर कहूं ताकि आपको गलत फहमी ना हो, आप बोलना, मैं जुमला अधूरा छोड़ूंगा। मरने वाला 1/3 में वसीयत करना चाहे कर सकता है? जज़ाकअल्लाह। हाँ, यही मसला है कि कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि 1/3 से कुछ कम कर, 1/3 से कुछ कम जो है वो कर दे, ये बेहतर है, क्योंकि हुजूर की चाहत ये मालूम होती है। अब आगे सुना, दरअसल ये भी आपको सुनाना था। हुजूर ने फिर एक अजीब बात बयान फरमाई, बुखारी शरीफ में है, मफहूम यह है कि तुम अपने इंतकाल के बाद अपने वारिसीन के लिए माल छोड़कर मरो, ये बेहतर है उससे कि तुम अपने मरने के बाद अपने वारिसीन को तंगदस्त छोड़ के मरो। तंगदस्त समझते हैं ना, ये दो लफ्ज है, तंग गुजराती में भी बोलती है कि भाई आजकल जरा तंगिश कड़किच है, तो तंगी तो यही है, तंग तंगी कि जरा कड़की चालते माणा सिगरेट पीतो हो कायम ने पछी बीड़ी पर आवी जाते कि आज बीड़ी के हूं करे यार, जरा तंगी छे हम भी गजू जरा हल्कू छे हमरा इब्राहिम भाई गजू जरा तो के हल्कू छे हमरा एम के तो आपणे बीड़ी पीऊ पड़े पछी सिगरेट नहीं चाले आपरा। तो तंग और दस्त, दस्त ये फारसी का लफ्ज, ये हाथ आपणे तो गुजराती में कहेवत छे के जेटली चादर होय पग एटला लांबा करवाना, ने के के पगार ओछो होय तो घर चलावा वाली, घर तो घर वाली चलावे, तो क्यारे थई रही के ज्यारे इनो हाथ तंग होय। गुजराती में हूं के घर वाली नो हाथ तंग होय, तो यही तंग दस का तर्जमा हाथ तंग होय, के मौको महल जोईने जैसे थे इस्तेमाल करे। बहरहाल तो तंग दस छोड़कर हुजूर ने फरमाया कि मत जाओ, वरना वारिसीन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाओगे, न कैश रकम छोड़ी, न फ्लैट छोड़ा, न मकान छोड़ा, न कोई प्लॉट छोड़ा, न कोई दुकान छोड़ी, न कोई जायदाद छोड़ी। तो वारिसीन हमारे एक उस्ताद फरमाते थे कि यूं सोचेंगे कि मर गया मर्दूत, न फातिहा न दुरूद। है अहमद भाई, मर गया मर्दूद के न फातिहा न दुरूद, के आपने नूरानी भाई पढ़ी ने त्यारे बख्शे के जरा आपड़ा हारू कई नूर छोड़ी ने गेला हो, है ते के छोड़ी ने ज नहीं गया, ते के इने पढ़ी ने हूं करवाना ये जाने, इनकी कब्र नहीं आखी तक जाने इनके, है हाँ। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, सब कुछ मस्जिद को मत दे दो, सब कुछ मदरसे को मत दे दो, सब कुछ हॉस्पिटल को मत दे दो, सब कुछ यतीम खाने को मत दे दो, सब कुछ किसी कॉलेज को, इस्लामिक मुस्लिम जो भी हो उसको मत दे दो, अपने वारिसीन के लिए भी कुछ ना कुछ क्या करो, छोड़ के जाओ, ये हुजूर फरमा रहे। हालांकि वहां वारिसीन में हजरत साद बिन वक्कास की सिर्फ क्या है, एक ही बेटी थी, इसलिए जिम्मेदारों को भी चाहिए कि कोई बेचारा मसले से ना वाकिफ हो तो, और वो सब कुछ देना चाहे मरने से पहले, और सब कुछ दे देना चाहे वारिसीन हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे गांव में अभी हुआ, दिल खून के आंसू रोता है। जमीन के भाव जब आसमान को छूने लगे हमारी तरफ, तो अल्लाह ताला ने एक साहिब को बहुत दिया। पहले उनके पास इतना नहीं था। हमारे यहां मुहावरा है ना कि अल्लाह ताला दे तो छप्पड़ खानी ने दे, है इब्राहिम भाई। तो एक साहिब कहने लगे कि हमें तो आशीषी ना बंगला, हमें कहाँ दे, तो हमें छप्पड़ कहाँ फाटवान। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिया, उनको दिल भी दिया हुआ था। अल्लाह के बंदा खर्च करता ही रहा। हालांकि उसके सगे भाई बहन तंगदस्त, फकीर, कल्लाश, उनको खुद जरूरत, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और देता ही रहा खैर के कामों में। और शायद कोई जिम्मेदारों में से भी उसको नहीं मिला होगा जो समझाए कि इस तरह तकसीम नहीं किया जाता। पहले किसका हक है? सुनो यहां एक बात, एक मसला, लोग इसमें गलत फहमी के शिकार है। मिश्कात शरीफ की रिवायत है जिसका मफहूम यह है कि आदमी अपनी बीवी पे खर्च करे, ये भी नफली सदका है। आदमी अपने बेटों पे खर्च करे, यानी जायज काम है, वो भी नफली सदका है। आदमी अपने माँ बाप पे खर्च करे, ये भी नफली सदका है। लेकिन मैं और आप नफली सदका किसको समझते हैं भाई? मस्जिद में दिया तो नफली सदका, मदरसे में दिया तो नफली सदका, फलां को जो है गरीब को दिया तो नफली सदका। फरमाया कि शुरुआत अपने घर से करो। शुरुआत कहां से करो? अपने जो है वो घर से करो। हाँ, मस्जिद जरूरतमंद है, मदरसा है, कोई और हंगामी जरूरत दरपेश है, अलग मसला है। वरना हुजूर ने हमें बताया कि ये भी जो है नफली सदका। इसलिए एक मसला याद रखो, घर के अंदर हमने जो मनी बॉक्स रख छोड़ा होता है, जो गल्ला और डिब्बा होता है, उसके अंदर आपने आदमी जो नफली सदका डालता है ना, तो वो आदमी अपने माँ बाप को भी देना चाहे तो दे सकता है। शोहर का अपना अलग मनी बॉक्स है, गल्ला है, बीवी का अलग है, बीवी शोहर को देना चाहे तो दे सकती है, शोहर बीवी को देना चाहे तो दे सकता है। पण तमे गीर धोरायो धोरायोने खिचड़ीमां जीवन करता हो आगळ, हे तेहो केदम पाछा नहीं तो के आजे मलसाबे बहु सारो मसलो बतायो, हवे कोईने देवानुं ज नहीं आपणे, हे आपसमां ज एक्सचेंज करा करो, हे बताने का मकसद ये नहीं होता। फरमाया समझ आया कि नहीं? लेकिन पहले अपनों का हक। गुजरातीमां हूं के घरनो घंटी चाटे क्या है ऐसा कुछ, इनको भी कुछ मालूम नहीं है के हाँ के घरनो, पता नहीं वो कहवत है कि घर नो घंटी चढ़े ना बहार वालों लोट खाए। इनो मतलब है कि भाई आपने जरा पिल्ला हूं करता है नूरानी भाई, हाथ से वो जो घंटी थी तो वो आटा जो है तैयार होता था, तो गोया के आटा किसको दे दिया? बाहर वालों को, जो रिश्तेदार नहीं है, है नजीब भाई। और बेचारे घर वालों को क्या है, उसी में जो आटा लगा है वही चाटने की जो है बारी आई। हाँ, तो ये जो है कहावत का मकसद है। तो ये भी जो है नफली सदका। जकात में भी शरीयत ने यही कहा कि पहले अगर तुम्हारे रिश्तेदार जकात के हकदार है तो पहले किसको दो? रिश्तेदारों को दो। और सिर्फ ये नहीं कि रिश्तेदारों को दो, हुजूर ने तरगीब इस तरह दी कि डबल सवाब, एक तो जकात की अदायगी का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में लिखा है कि वो अपनी जकात पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को देते थे। किसी ने उसकी वजह पूछी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, तो हजरत ने फरमाया जिसका मफहूम यह है कि मेरे आका का इरशाद है कि इसमें डबल सवाब, इसलिए मैं पहले उनको जो है वो देता। बहरहाल तो यही उसूल यहां भी अपनाया गया कि आदमी जो अपना मालो जायदाद उसने इख्तियार है, उसने जो है जमा किया है, उसके पास है, तो सब कुछ कुर्बान न कर दे, बल्कि वारिसीन के लिए भी क्या करे,
छोड़ के जो है वो जाए, और देना चाहे तो देखिए जिंदगी में तो जो भी देना चाहे दे सकता है, लेकिन मरने के बाद वन थर्ड है। ये जो वन थर्ड मैंने बताया ना, ये मरने के बाद है, वरना जिंदगी में आदमी का अपना जो है वो माल है। बहरहाल बात यहां से शुरू हुई थी, 5 मिनट में इंशाल्लाह खत्म करते हैं कि माल फी नफ्सी ही बुरी चीज नहीं है, और इसको एक मिसाल से समझाया करते थे हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत फरमाते थे दुनिया में मुख्तलिफ करेंसी मुख्तलिफ नामों से मंसूब है। यहाँ की जो करेंसी है क्या नाम है? पाउंड। इंडिया में रुपया है। इसी तरह एक है दिरहम और दूसरा है दीनार। तो दीनार, तो हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि माल में जो दोनों चीजें हैं वो इसमें आ गई, कि माल से आदमी जन्नत भी कमा सकता है और माल से आदमी जहन्नम भी कमा सकता है। क्यों? आम तौर पर माल फिरौनियत लेकर आता है, अय्याशी जो है वो लेकर आता है माल आम तौर पर। इसीलिए हुजूर की दुआओं में से एक दुआ ये है कि माल के शर और माल के फितने से अल्लाह हमारी क्या कीजिए, हिफाजत कीजिए। हुजूर ने सिखाया, क्यों सिखाया? कि माल के शर माल का फितना, पता चला कि माल शर की चीज भी है, पता चला माल फितने की चीज भी है। बल्कि एक हदीस में हुजूर ने फरमाया इन लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल औ कमा काल अलैहि सलातु व सलाम। फरमाया हुजूर ने मफहूम है कि हर उम्मत के लिए फितने की चीज है और मेरी उम्मत के लिए फितने की चीज माल है। और कहावत मशहूर है कि तीन चीजें झगड़े का और लड़ाई का और फसाद का सबब बनती है, और तीनों का पहला लेटर जा है। अली बा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा जा, ये जा कौन सी? जन औरत, जमीन प्रॉपर्टी, और जर सोना कैश। ये माल असल में क्या है? सोना ही तो है ना। हाँ, माल जो है वो असल में सोना ही है। तो ये तीन चीजें, इसलिए हुजूर ने इससे जो है वो पनाह भी चाहिए, लेकिन माल खैर का भी जरिया है। उलमा ने लिखा है, बड़ी पते की चीज है, फरमाया कि माल की हैसियत इंसान के लिए ऐसी है जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी। जिस्म में एक कीमती उज्व जो है वो क्या है? रीढ़ की हड्डी है। और यूं कहते हैं कि अल्लाह ताला जो दोबारा इंसान को मिट्टी हो जाएंगे और उठाएंगे तो कहां से? इसी रीढ़ की हड्डी को इस्तेमाल किया जाए, इसी रीढ़ की हड्डी। और बोला जाता है ना बाज मरतबा किसी का कारोबार चलता है या कोई काम बहुत अच्छा चलता है, कोई हासिल हो, बुरा चाहने वाला हो, वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, तरकीबें करता है और उसे आसमान पे से जमीन पे ला देता है, तो क्या कहते हैं कि फलाना है फलाना नहीं, रीढ़ की हड्डी तोड़ी नहीं। क्यों? तो रीढ़ की हड्डी थी, तो ये रीढ़ की हड्डी, तो माल रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। उससे आगे आपको कुरान से मिसाल दूं, अल्लाह अकबर। हैं, कुरान ने क्या कहा? सूरह निसा 5वीं आयत नंबर 4वां पारा वला तुतुस सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। अल्लाह ताला ने दो चीजों को कुरान करीम में इस दुनिया की बका का सबब बताया। क्या बताया? कि ये दुनिया उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक दो चीजें कायम रहेगी, ये कुरान कह रहा है, वरना ये दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क़ियामन लिन्नास, कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाया क़ियामन लिन्नास, के लोगों की बका का जरिया है दो चीजें। कौन सी दो चीजें? पहली चीज 7वां पारा सूरह माईदा। सूरह माईदा के अंदर जो है अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नंबर है 97, उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया जअलल्लाहुल काअबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास। क्या मतलब? के
काबतुल्ला जब तक दुनिया में कायम रहेगा और उसका अदब करने वाले, लिहाज करने वाले लोग मौजूद रहेंगे, ये दुनिया कायम रहेगी। जहां काबतुल्ला को खत्म कर दिया गया, वहीं पर ये दुनिया भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो गोया दुनिया का दारो मदार और दुनिया की बाकी रहने का सबब, बका का जरिया क्या है? काबतुल्लाह। कुरान कह रहा है قیام للناس, ترجمہ دیکھ لیجیے, دوسرا سورہ نساء چوتھا پارہ آیت پانچویں, اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے اپنا مال انسانوں ان لوگوں کے ہاتھوں میں مت دو, چاہے وہ تمہاری اولاد ہے, چاہے وہ تمہارا شوہر ہے, چاہے وہ تمہاری بیوی ہے, چاہے وہ تمہارا ورکر ہے, چاہے کوئی ہے وہ, تو ان کے ہاتھوں میں مت دو کہ جو تمہارے مالوں, ان کے نہیں, مال تمہارا تم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا, چاہے رشتے میں وہ کوئی لگتے ہو تمہارے, لیکن ان کی عادت بلا وجہ, بلا ضرورت مال کو ضائع کرنے کی ہے. تو اے انسانوں, اے مسلمانوں, اپنا مال ان کو مت دو, چاہے وہ بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, ورکر ہے, کوئی ہے. کیوں؟ جعل اللہ لکم قیاما. یہ مال ایسی چیز ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے تمہارا گزران رکھا. کیا رکھا ہے؟ گزران. گزران تو چل سمجھتے ہیں نا آپ, میں نے بہت آسان ترجمہ کیا. ایک مانس کام نہیں کرتو, نے پوچھے کہ بھائی تارو گزران ہانا تھی چالے؟ دیکھے بھائی ہمارا پاس پراپرٹی چھ, ایک دکان چھ, گھر چھ, بھڑوا ہوئی نا تھی مرو ہوں چالے, گزران چالے ہے نا ابراہیم بھائی. تو یہ گزران, تو قرآن نے مال کی اہمیت بتائی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں مت دو. یہاں لفظ ہے سفہا, سفہا کا اصل معنی ہوتا ہے بیوقوف, لیکن میں نے بھی وقوف ترجمہ نہیں کیا کہ کہیں کسی کو برا لگ جائے, ہے تو اس لیے بھائی ایسا آدمی جو بلا ضرورت, بلا وجہ مال خرچ کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ شریعت اس کو بے وقوف کہہ رہی ہے, میں نہیں, اللہ بے وقوف کہہ رہا ہے. اس لیے میں نے ذرا مہذب ترجمہ کیا. تو فرمایا کہ یہ مال گزران کا سبب ہے. دوسری مثال علماء نے دی مال کی, جیسے انسانی جسم میں خون کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح انسانی زندگی, سماج اور سوسائٹی میں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مال کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. بہرحال یہ آج تمہید ہوئی, مجھے بتانا ہے, مجھے میراث پہ آنا تھا, لیکن یہ تمہید ہے کہ شریعت میں بتانا یہ تھا کہ مال بری چیز نہیں ہے. اس لیے وارثین کو یہ کہا کہ مرنے کے بعد اپنے وارثین کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤ؟ مال چھوڑ کر جاؤ, لیکن صرف مال چھوڑ کے نہ جاؤ, دین بھی چھوڑ کے جاؤ. ورنہ مال چھوڑ کے گئے وہ تمہارے مال کو کمائے ہوئے غلط کاموں میں خرچ کرے گا, تو تم بھی جو ہے وہ گنہگار جو ہے وہ ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ مال دینار, دین نار, اس کو لکھنا, دین نار, نار یعنی جہنم, دین جنت کا سبب ہے. تو مال اچھی جگہ خرچ ہوا تو جنت, اور بری جگہ ہوا تو جہنم. میراث میں وارثین کو مال ان کا حق دے دیا تو جنت, اور اگر نہیں دیا تو کوئی سسرا آگے نہیں بولے گا, میں بولتا ہوں, نار اور جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.